ब्रह्महत्या बालहत्या गवाम हत्या तथैव च ताः सर्वाः विलयं यान्ति जगन्नाथस्य दर्शना। इस जन्म की जन्मांतर की किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी दोष की निवृत्ति, बड़े से बड़े दोष की निवृत्ति केवल और केवल श्री जगन्नाथ जी के श्री मुख कमल के दर्शन मात्र से हो जाती। ब्रह्म हत्या बाल हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप, बाल हत्या का पाप, गवाम हत्या, गो हत्या का भी पाप, ये संपूर्ण पाप। इसका आशय यह है कि इन बड़े पापों का स्मरण कर लिया तो अब छोटों छोटों की तो का कथा, फिर छोटों के कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने का आशय यहां यह है कि बड़े छोटे समस्त प्रकार के दोष पाप श्री जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। ता सर्वाह विलयम यान्ति, ये समस्त प्रकार की हत्याओं के पाप विलीन हो जाते हैं जगन्नाथस्य दर्शनात्, केवल श्री जगन्नाथ जी के दर्शन से। जगन्नाथ जी का दर्शन करके क्या करे, जगन्नाथपुरी में आके क्या करे। जगन्नाथे चरज्जन्तु महापापै प्रमुच्यते, जगन्नाथे चरज्जन्तु महापापै प्रमुच्यते। श्री जगन्नाथ कहते ही जीव संपूर्ण पापों से महापापों से मुक्त हो जाता है। जगन्नाथे चुच्चरण, जगन्नाथ ऐसा उच्चारण करता हुआ सर्व महापापै प्रमुच्यते। अब यहां जंतु है, केवल जीव नहीं, इसका अर्थ है जो जगन्नाथ शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते ऐसे भोग योनि में पड़े हुए जंतु भी कोई वैष्णव उच्च स्वर से जगन्नाथ नाम का उच्चारण करता है और किसी जंतु के कान में पड़ जाए, कीड़े मकोड़े कीट पतंग के कान में जगन्नाथ नाम पड़ जाए, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो।